वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स। क्या डिस्कस करेंगे? सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स जो किसके लिए एप्लीकेबल हैं? मई 21 एंड ऑनवर्ड्स। जो स्टूडेंट्स मई 21 में अपीयर हो रहे हैं या जो उसके बाद अपीयर होंगे मई 21 एंड ऑनवर्ड्स, उनके लिए क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं? आज की क्लास स्पेसिफिकली इस पर होगी। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं ICAI की नोटिफिकेशन पे कि ICAI ने क्या अनाउंसमेंट्स की हैं, अकॉर्डिंगली हम अपनी अमेंडमेंट्स कवर ऑन करेंगे। सबसे पहले आ जाओ ICAI की साइट पे। स्टूडेंट्स अनाउंसमेंट 8 जन को आपकी अनाउंसमेंट आई थी ICAI की डायरेक्टली 8 जन मई 21। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मई 21 वालों के लिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले आ जाओ अपनी ऑडिटिंग की एसेस में कोई चेंज नहीं है। जो चैप्टर 1 आप पहले करते थे एज इट इज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कोई भी चेंज नहीं है। दूसरा, बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में जितने भी नोटिफिकेशन आती हैं 6 मंथ्स बैक फ्रॉम योर अटेम्प्ट, वो सभी नोटिफिकेशन आपके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो एज सच कंपनीज एक्ट में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हैं, चेंजेस नहीं है, माइन्यूट चेंजेस हैं जो हम इजीली कवर ऑन कर लेंगे। नाउ द मेजर इज कारो 2020 एंड कारो 2016। स्टूडेंट्स की बहुत कंफ्यूजन रही है, कंफ्यूजन भी क्यों ना रहे क्योंकि ICAI की बार बार नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट्स आती रही हैं। सबसे पहले तो ICAI ने क्या किया, स्टडी मैथ में अपने स्टडी मटेरियल जो 2021 में मई 2021 में इशू किया उसमें कारो 2020 दिया। उसके बाद अनाउंसमेंट की गई, अनाउंसमेंट आई कि कारो 2020 इज एप्लीकेबल फॉर मई 21 अटैम्प्ट। लेकिन 8 जन को ICAI ने क्लैरिफाई कर दिया, नोटिफाई कर दिया, अनाउंस कर दिया कि मई 21 स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स मई 21 में अपीयर हो रहे हैं उनको कारो 2020 नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है? कारो 2016। मई 21 वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है? कारो 2016 पढ़ना है। फर्स्ट, कारो में कोई चेंज नहीं है। सेकंड, पीयर रिव्यू। की स्टेटमेंट रिवाइज कर दी गई। पीयर रिव्यू स्टेटमेंट 2020 आई और स्पेसिफिकली लिख दिया, ICAI ने अनाउंस कर दिया और उन्होंने अपने मॉड्यूल में भी पीयर रिव्यू की रिवाइज स्टेटमेंट इंक्लूड की है। मई 21 वालों के लिए क्या एप्लीकेबल है? कारो 2016। क्लियर हुई फर्स्ट बात। सेकेंड, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, ऑडिट अंडर फॉर्म 3CD एज वेल एज ऑडिट अंडर GST। यहाँ चेंजेस हैं और अमेंडमेंट्स हैं, मेजर चेंजेस नहीं हैं, कुछ चेंजेस हैं, माइन्यूट चेंजेस हैं जो इजीली आप कवर ऑन कर लोगे। पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू की न्यू स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी, रिवाइज स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मेजर चेंजेस आपके कौन से चैप्टर में हैं? पीयर रिव्यू के चैप्टर में है और क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में है। क्वालिटी रिव्यू तो सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन पीयर रिव्यू न्यू एंड ओल्ड बोथ के लिए एप्लीकेबल है। तो जो क्वालिटी रिव्यू में चेंजेस और एडिशंस हैं वो न्यू वालों को करने हैं और पीयर रिव्यू वाले ओल्ड वालों को भी करने हैं और न्यू वालों को भी करने हैं। मेजर चेंज आया आपका प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स 2020 पी में चेंज आया। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, मैडम हमने तो पुराना प्रोफेशनल एथिक्स कर लिया था और हमारा अटैम्प्ट भी कब है? मई 21। क्या जो हमने पहले प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है वो बिल्कुल चेंज हो गया? क्या हमें दोबारा से प्रोफेशनल एथिक्स करना पड़ेगा? डोंट वरी, चेंजेस नहीं है, कुछ एडिशंस हैं, फॉर्मेटिंग चेंज है, कुछ एडिशंस हैं और कुछ माइन्यूट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको अमेंडमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगे। जिन्होंने पुराना प्रोफेशनल एथिक्स मतलब कोड ऑफ एथिक्स 2009 किया है, नो नीड टू वरी, आपको अमेंडमेंट्स और चेंजेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको दोबारा से पूरा प्रोफेशनल एथिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं ली वो स्टूडेंट्स क्या करें? वो न्यू कोड ऑफ एथिक्स 2020 पढ़ें। लेकिन जिन्होंने कोड ऑफ एथिक्स कर लिया है 2009 उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, हम चेंजेस और अमेंडमेंट्स करेंगे जो हार्डली आपकी एक क्लास या दो क्लासेस में, एक क्लास मतलब 3-4 आवर्स में ईजिली आपकी सभी अमेंडमेंट्स कवर ऑन हो जाएंगी और मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है। फिर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, मैडम ICAI ने तो मॉड्यूल अपडेट किया था, ICAI ने मई 21 में मॉड्यूल को अपडेट किया था। सबसे पहले ICAI ने मई 20 में मॉड्यूल दिया, फिर मई 21 में उन्होंने एक अपडेटेड मॉड्यूल चेंज कर दिया, अपने मॉड्यूल को रिवाइज कर दिया। तो मैडम क्या इन मॉड्यूल्स में चेंजेस हैं? बिल्कुल, कुछ चैप्टर्स में एडिशंस किए गए हैं, कुछ चैप्टर्स में एडिशंस किए गए हैं, तो वो एडिशंस की नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। डोंट वरी, एडिशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने भी एडिशंस हैं आपको उसके सेपरेट नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड हो जाएंगे और आप इजीली उनको रीड करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। एज सच कोई डिफ़िकल्ट और मेजर चेंजेस, मेजर इंक्लूजन्स नहीं है, माइन्यूट इंक्लूजन्स है जिसको बाय द नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मेजर चेंजेस की डिस्कशन करते हैं कि मेजर चेंजेस कौन कौन से चैप्टर में आए। सबसे पहला मेजर चेंजेस आया आपका किस में, प्रोफेशनल एथिक्स में, कि आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स में कौन सा कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल होगा, कोड ऑफ एथिक्स 2020 एप्लीकेबल होगा। दूसरा चेंज आया आपका पीयर रिव्यू में, किस में आया, पीयर रिव्यू में। पीयर रिव्यू की स्टेटमेंट रिवाइज हो गई तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, रिवाइज्ड पीयर रिव्यू स्टेटमेंट। आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगी, रिवाइज पीयर रिव्यू स्टेटमेंट। जिन्होंने पीयर रिव्यू भी लगा लिया उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अमेंडमेंट्स और चेंजेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थर्ड आपका चेंज किस में आया, क्वालिटी रिव्यू में, किस में आया, क्वालिटी रिव्यू में। ये सिर्फ कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जो न्यू सिलेबस के हैं, सिर्फ किसको पढ़ना है, जो न्यू सिलेबस के हैं। इसके भी आपको चेंजेस और अमेंडमेंट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फोर्थ कारो 2016 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपको कारो 2020 जो मई 2021 में अपीयर हो रहे हैं इनको कारो 2020 नहीं पढ़ना, कारो 2020 पर नहीं पढ़ना, कारो 2016 पढ़ना है। दूसरा ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज एक्ट, NBFCs। मेजर चेंजेस नहीं है, माइन्यूट से चेंजेस हैं जो हार्डली 2 आवर्स में सभी चेंजेस कवर हो जाएंगे। और जो मतलब स्मॉल एडिशंस किए गए हैं कुछ चैप्टर्स में, क्योंकि मॉड्यूल अपडेट हुआ है, कुछ एडिशंस हैं, कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हैं, कुछ एडिशंस हैं जिसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये आपके चेंजेस और अमेंडमेंट्स पे हो गया डिस्क। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा कोड ऑफ एथिक्स 2020 की अमेंडमेंट जो ओल्ड एज वेल एज न्यू के लिए एप्लीकेबल है, जो ओल्ड एज वेल एज न्यू के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हुई? तो आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स 2020। देखो पहले हम पढ़ते थे कोड ऑफ एथिक्स 2009, क्या पढ़ते थे, कोड ऑफ एथिक्स 2009। कोड ऑफ एथिक्स 2009 में 2 पार्ट होते थे, एक होता था पार्ट A और एक होता था पार्ट B। क्या होता था, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में तो क्या होता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। क्या होता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। क्या पढ़ते थे हम, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते थे। और पार्ट B में हम पढ़ते थे डोमेस्टिक प्रोविजंस। क्या पढ़ते थे, डोमेस्टिक प्रोविजंस। और आपको एक ही बुक मिला करती थी, एक ही वॉल्यूम मिला करता था जिसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स भी होता था और आपके डोमेस्टिक प्रोविजंस भी होते थे। लेकिन आपका कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज कर दिया गया और रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स कब से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई 2020। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पे इसको एप्लीकेबल कर दिया गया। 1 जुलाई 2020 आपको कोड ऑफ एथिक्स 2020 एप्लीकेबल होगा, कोड ऑफ एथिक्स 2020 एप्लीकेबल होगा। और जो मई 2021 में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और जो ऑनवर्ड्स अपीयर होंगे उन्हें ये कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना है। अब हम चेंजेस और अमेंडमेंट्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस और क्या अमेंडमेंट हैं। पहले कोड ऑफ एथिक्स का एक ही वॉल्यूम होता था जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रोविजंस को पार्ट A और पार्ट B में एक्सप्लेन किया होता था। अब कितने वॉल्यूम हैं, 3 वॉल्यूम। कोड ऑफ एथिक्स 2020 के कितने वॉल्यूम हैं, कोड ऑफ एथिक्स 2020 के 3 वॉल्यूम हैं। कितने वॉल्यूम हैं, 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। कितने वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में क्या है, ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। व्हाट इज ISBA, क्या है, वॉल्यूम 1 में है ISBA कोड ऑफ एथिक्स। वॉल्यूम 1 डिराइव किया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है, ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। कहाँ से डिराइव किया गया है, ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। व्हाट इज ISBA कोड ऑफ एथिक्स, ISBA का मतलब इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या है, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स। क्या है, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स। क्या है, इंटरनेशनल एथिकल एथिकल बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स। ये मैंने आपको पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ICAI इज अ मेंबर ऑफ IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ICAI our institute, Indian Institute of Chartered Accountants, is a member of IFAC, International Federation of Accountants is a member of IFAC। और ICAI की एक बोर्ड है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। ICAI का एक बोर्ड है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हमने प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपने रेगुलर क्लासेस लगाई होंगी उसमें हमने काफ़ी बार एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड पे डिस्कस किया है। तो ICAI का एक बोर्ड है ESB, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। वैसे ही IFAC का एक बोर्ड है ISBA, IFAC का है एक बोर्ड है ISBA, IFAC का है एक बोर्ड है ISBA। ISBA का मतलब इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स। ISBA ने क्या इश्यू किया? कोड ऑफ एथिक्स 2018, और हमने इसके बेसिस पे डिराइव किया हमारा कोड ऑफ एथिक्स, जिसको किसमें इंक्लूड कर दिया गया? वॉल्यूम 1 में। तो वॉल्यूम 1 इंक्लूड्स इंटरनेशनल बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स 2018 पे डिराइव, मतलब 2018 के बेस पे डिराइव किया गया है। तो वॉल्यूम 1 इज डिराइव फ्रॉम द ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। और वॉल्यूम 2 में क्या इंक्लूड किए गए हैं? डोमेस्टिक प्रोविजंस। क्या इंक्लूड किए गए हैं? डोमेस्टिक प्रोविजंस, जो किसने इशू किया? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI। जो किसने इशू किया? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI। और वॉल्यूम 3 में जितने भी केस लॉस, जितने भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थी अप टिल, जितने भी क्या थी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अप टिल 4 अप्रैल 2019, रिगार्डिंग टू शेड्यूल्स जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थी, जो भी केस लॉज रेफरेंसेस थे अप टिल 1 अप्रैल 2019, सभी केस लॉज को किसमें डाल दिया गया? सभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को किसमें डाल दिया गया? वॉल्यूम 3 में। तो अब कितने वॉल्यूम कोड ऑफ एथिक्स के हैं? 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। मैं बोल सकती हूँ वॉल्यूम 1 इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स, वॉल्यूम 2 इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्रोविजंस, वॉल्यूम 3 इंक्लूड्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अगर आप आ जाइए अपने ICAI की वेबसाइट पे, जैसे ही आप ICAI की वेबसाइट पे जाओगे, आप जाना कमेटीज़ पे, फिर उसके बाद कमेटीज़ में जाने के बाद आपको मिलेगा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या होगा? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में आपको कोड ऑफ एथिक्स पता चल जाएंगे कि कितने कोड ऑफ एथिक्स ICAI ने, मतलब ESB के अंदर आपको कोड ऑफ एथिक्स पता चल जाएंगे। उसके कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज। चलो अब ICAI की वेबसाइट पे आप आ जाइए कमेटीज़ पे। कमेटीज़ में आपका एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, किस पे आते हैं हम? एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड। अब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोड ऑफ एथिक्स में देखो कितने वॉल्यूम दिए? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। कितने वॉल्यूम है? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब हम पहले डिस्कस करते हैं वॉल्यूम 1 को, मतलब वॉल्यूम 1 किससे डिराइव किया गया है? ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, MCQ, कि वॉल्यूम 1 किससे डिराइव किया गया है? ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। अब मैं आपको वॉल्यूम 1 की डिटेल डिस्कशन करती हूँ कि वॉल्यूम 1 में क्या क्या इंक्लूड है। वॉल्यूम 1 में कितने पार्ट दिए गए हैं? वॉल्यूम 1 में दिए गए हैं 4 पार्ट। जनरली बोल सकते हैं हम 5 पार्ट, बट 4 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले हम इन 3 पे डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में क्या इंक्लूड है? पार्ट 1 में दिया गया है कंप्लायंस विद कोड। क्या दिया गया है? कंप्लायंस विद कोड। क्या दिया गया है? कंप्लायंस विद कोड। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या दिए गए हैं? कंप्लायंस विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या दिया गया है? कंप्लायंस विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या दिया गया है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या दिया गया है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और पार्ट 1 में 3 बातें दी गई हैं, कंप्लायंस विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल और तीसरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और ये किस पे लगेगा? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। पार्ट वन किस पे लगेगा? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। पार्ट वन किस पे लगेगा? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। किस पे लगेगा? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन है? नाउ द क्वेश्चन, प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोड ऑफ एथिक्स में किसको बोला गया है? ए मेंबर ऑफ आईसीआई। दोबारा से, अ मेंबर ऑफ आईसीआई, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अ मेंबर ऑफ आईसीआई को कोड ऑफ एथिक्स में क्या बोला गया है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट। क्या बोला गया है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट। प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहाँ-कहाँ एंगेज हो सकता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहाँ-कहाँ एंगेज हो सकता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो सकता है। किस में हो सकता है? प्रैक्टिस में हो सकता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट किस में हो सकता है? सर्विस में हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंट अदरवाइज ऑक्यूपाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब आई एम सीए, आई एम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, माई नेम इज रजिस्टर्ड, my name is included in the register of members, means I am a professional accountant. I am a professional accountant. I am giving an education services. I am not in service, I am not in practice, but I am occupied elsewhere, so I will be a professional accountant. For example, Kumar Mangalam Birla of the CEO of Birla Group, he is otherwise occupied. So part one is applicable to all professional accountants, either in service, either in practice, or either otherwise occupied. So part one किस पे applicable है? All professional accountants। किस पे applicable है? All professional accountants। पार्ट टू किस पे एप्लीकेबल है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। किस पे एप्लीकेबल है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। किस पे एप्लीकेबल है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। चाहे वो एग्जेक्टिव, चाहे नॉन एग्जेक्टिव, चाहे आप सर्विस में ऑक्यूपाइड हो, चाहे आप एम्प्लॉयड हो, चाहे एग्जेक्टिव मतलब होल टाइम, नॉन एग्जेक्टिव मतलब पार्ट टाइम, चाहे आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो या फिर आप एग्जेक्टिव हो या फिर आप नॉन एग्जेक्टिव हो, इट विल बी। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो किसी कंपनी में, मतलब यू आर इन सर्विस, यू आर इन सर्विस। क्लियर हुई बात? Part 3 is applicable to professional accountant in public practice. किस पे applicable है? Professional accountant in public practice, means professional accountant in practice. Clear हुई बात? पार्ट 4 में क्या इंक्लूड है? ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। क्या इंक्लूड है? इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड। पुराने कोड ऑफ एथिक्स, मतलब कोड ऑफ एथिक्स 2009 के अंदर इंडिपेंडेंस पे सिर्फ एक पैराग्राफ होता था। अब इंडिपेंडेंस पे क्या इशू कर दिए? इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स। क्या इशू किया है? इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड। अगर आपको याद हो, क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था कि एक सीए इन प्रैक्टिस कौन कौन से असाइनमेंट कर सकता है। याद है किसी को? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट। याद है? सीए इन प्रैक्टिस एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कर सकता है और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कर सकता है। अगर आपको याद हो, सीए इन प्रैक्टिस एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कर सकता है और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कर सकता है। और एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता था? या तो वो ऑडिट कर रहा है, या फिर वो रिव्यू कर रहा है ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद है? ऑडिट और रिव्यू ऑफ अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अब आपको देखना है, क्या आप ऑडिट एंड रिव्यू कर रहे हो या अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू कर रहे हो। तो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स देखना किस पे लगेंगे। इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स लगेंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। किस पे लगेंगे? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। किस पे लगेंगे? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। किस पे लगेंगे? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस। अब आपको देखना है आपका असाइनमेंट किस नेचर का है। अगर आप एश्योरेंस असाइनमेंट कर रहे हो रिलेटिंग टू ऑडिट एंड रिव्यू, एश्योरेंस असाइनमेंट रिलेटेड टू ऑडिट और रिव्यू, या फिर एश्योरेंस असाइनमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, एश्योरेंस असाइनमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, एश्योरेंस असाइनमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। अगर आप ऑडिट और रिव्यू कर रहे हो तो आपके ऊपर सीए इन प्रैक्टिस पब्लिक अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के ऊपर एप्लीकेबल होगा पार्ट 4A। क्या एप्लीकेबल होगा? पार्ट 4A। और अगर आप कर रहे हो अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, क्या कर रहे हो? अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू असाइनमेंट, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा पार्ट 4B। क्या एप्लीकेबल होगा? पार्ट 4B। तो वॉल्यूम 1 के कितने पार्ट हैं? पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया गया है? कंप्लायंस विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स। किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। पार्ट 2 में क्या है? पब्लिक अकाउंटेंट, सॉरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। किस पे लगता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। पार्ट 3 किस पे लगता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस। और पार्ट 4A इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट। और पार्ट 4B इंडिपेंडेंस फॉर अदर देन ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट। ये हो गया आपका वॉल्यूम 1। अब मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ वॉल्यूम 1 हमारे ICAI की वेबसाइट से, मतलब कोड ऑफ एथिक्स ओरिजिनल से। अब आ जाइए आप फटाफट, आपका आ गया कोड ऑफ एथिक्स। इसके कितने, ये वॉल्यूम 1 पे हम कितने पार्ट हमने डिस्कस किए? अभी देखो आपको सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा कि क्या है। आपका पार्ट 1 ये देखो, गाइड टू द कोड। पार्ट 1 क्या डिस्कस करता है? कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और पार्ट 2 प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड सर्विसेज। पार्ट 3 प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस। और पार्ट 4A 4B किस पे है? इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंस फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। उसके बाद अब आते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। पार्ट 1 कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये किस पे एप्लीकेबल है? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, दिख रहा है, ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। और पार्ट 2 किस पे एप्लीकेबल है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विसेज में एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड किया गया है जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस को कंप्लाई करना पड़ेगा जब वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होगा। एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, चाहे वो कॉमर्स, इंडस्ट्री या किसी भी सर्विस में जॉब कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, रेगुलेटरी या किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंडर। अगर वो प्रोफेशनल इन सर्विस है, सर्विस में है, तो उसको प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस माना जाएगा और उस पर ये सभी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। पार्ट 3 किस पे एप्लीकेबल है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट और इंडिपेंडेंस फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। ये आपकी डिस्कशन है किस पे? वॉल्यूम 1 पे, जिसका चार्ट आपको ICAI के मॉड्यूल से भी मिलेगा। और मैं आपको अपने नोट्स भी क्लास के आपको मिल जाएंगे, PDF नोट्स भी आपको YouTube पे अवेलेबल, मतलब आपको लिंक में प्रोवाइड हो जाएंगे। अब आ जाइए अपना नेक्स्ट, हम डिस्कशन करते हैं हमारे किस पे? पार्ट 1 पे। किस पे डिस्कस करते हैं? हमारे पार्ट 1 पे। इस पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाऊंगी। जो एडिशंस हैं, जो इलेबोरेशंस हैं, जो मोर एक्सप्लेनेशंस हैं, उसको क्विकली डिस्कस करूंगी क्योंकि ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? कंप्लायंस विद कोड। ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को किससे कंप्लाई करना है? कोड से कंप्लाई करना है, कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लाई करना है। सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को कोड से कंप्लाई करना है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मैटर पे अगर कोड और लॉ में कन्फ्लिक्ट है, लॉ कुछ और बात बोलता है और कोड कुछ और बात बोलता है, अगर कभी भी लॉ और कोड में क्या है? कन्फ्लिक्ट, तो कौन प्रिवेल करेगा? लॉ प्रिवेल करेगा। उस स्पेसिफिक मैटर पे लॉ प्रिवेल करेगा, लॉ एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेगा और अदर रेलिवेंट कोड आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को किससे कंप्लाई करना है? कोड से कंप्लाई करना है। दोबारा से, ऑल द प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद कोड, शैल कंप्लाई विद कोड। लेकिन अगर कभी भी लॉ में या कोड में कंफ्लिक्ट है, कोई इनकंसिस्टेंसी है, कोई कंफ्लिक्ट है, तो लॉ प्रिवेल करेगा, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अदर मैटर्स के लिए आपको रेलिवेंट कोड का कंप्लाई करना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कंप्लायंस विद कोड। पहला खत्म। सेकेंड आ जाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल। बहुत पढ़े आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, आपके माइंड में 5 प्रिंसिपल फटाफट आ गए होंगे, ऐसे 200 के आ गए हैं याद। क्या था? integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, professional behavior. There are 5 fundamental principles. इसका elaboration किया गया है और यहीं से copy किया गया है आपके ऐसे 200 में. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल किसको कंप्लाई करने हैं? दोबारा से ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स. अगर मैं एसए की बात करती हूँ तो वो सिर्फ किस पे लगता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो वो सिर्फ ऑडिट असाइनमेंट्स पे लगते हैं. लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल का, चाहे वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट सर्विस में है, चाहे वो प्रैक्टिस में है, चाहे वो अदरवाइज ऑक्यूपाइड है, सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को किसका कंप्लाई करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का कंप्लाई करना है. देयर आर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल. सबसे पहले प्रिंसिपल है आपका इंटीग्रिटी. क्या है? इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो क्या होना चाहिए? वो ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए. सिंपल सी बात. जो भी एक सीए इन प्रैक्टिस को, सीए इन प्रैक्टिस कह रही, सॉरी, एक मेंबर ऑफ आईसीआई को, एक सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब उनको ईमानदार होना चाहिए. क्लियर? अब ध्यान से सुनना. कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दोबारा से इंपॉर्टेंट है, इसको ऐड ऑन किया गया है, कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोई भी रिटर्न, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होगा अगर उसको लगता है वो इंफॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है, झूठी है, मिसलीडिंग है, धोखा देने वाली है. नोइंगली वो किसी भी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होगा. नोइंगली मतलब अगर उसे पता है कि वो रिटर्न, वो इंफॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट जो उसे दी गई है वो झूठी है, वो धोखा देने वाली है, या उसको नेग्लिजेंटली प्रोवाइड किया गया है, उसको लापरवाही से प्रोवाइड किया गया है, तो वो कोई भी ऐसी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन या किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होगा अगर उसे पता है नोइंगली कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो झूठी है, वो धोखा देने वाली है, वो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है. एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. देखो, आपको सीए इन प्रैक्टिस के एग्जांपल्स तो पता होंगे, ऑडिट से रिलेटेड एग्जांपल्स तो आपको इजीली पता होंगे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल राजू सत्यम ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दी, आपको पता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स झूठी हैं और आप फिर भी उसकी ऑडिट ले रहे हो. नहीं, ऐसा आपको कोई ऐसे रिपोर्ट्स के साथ आपको एसोसिएट नहीं होना, ऐसी रिटर्न्स के साथ आपको एसोसिएट नहीं होना. हाँ जी, आपके आए नीरव मोदी जी और कहते कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना कर दो, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना कर दो, और आप उनके एम्प्लॉई हो और आपको पता है जो ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो झूठी है, और आप फिर भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, आप अपना असाइनमेंट कर रहे हो, हालांकि आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो झूठी है, आप उसके साथ एसोसिएट हो रहे हो, उसका काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना. नोइंगली अगर आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो झूठी है या फिर वो धोखा देने वाली है, आपको ऐसे वर्क के साथ एसोसिएट नहीं होना, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप सर्विस में हो, और चाहे आप अदरवाइज ऑक्यूपाइड हो. और अगर आपको लगता है वो इन्फॉर्मेशन आपको नेग्लिजेंटली, लापरवाही से प्रोवाइड की गई है, डेलीजेंटली प्रोवाइड नहीं की गई, या फिर इन्फॉर्मेशन को ओमिट किया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया है, या फिर अस्पष्टता से ऑब्स्क्योर किया गया है. ऑब्स्क्योर मतलब आपको स्पष्टता से नहीं बताया गया, अस्पष्टता से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, मिसलीडिंग है, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट रिटर्न से एसोसिएट नहीं होना. दोबारा से सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इंटीग्रिटी. पहला पॉइंट तो बोलता है कि आपको क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. दूसरा, अगर आपको कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जो आपको लगता है झूठी है, फाल्स है, मिसलीडिंग है या फिर आपको डेलीजेंटली प्रोवाइड नहीं की गई, नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है, आपको ऐसी रिटर्न के साथ एसोसिएट नहीं होना। और अगर कोई इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है या अस्पष्टता से बताया गया है, क्लैरिटी से नहीं बताया गया और जो छुपाया गया है और क्लैरिटी नहीं दी गई, इससे जो इंफॉर्मेशन बन रही है वो मिसलीडिंग है, तो आपको ऐसे क्लाइंट के साथ एसोसिएट नहीं होना। क्लियर हुई बात? और अगर आप एसोसिएट हो गए तो इसको ब्रीच नहीं माना जाएगा अगर आपने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया था, आप ऐसे क्लाइंट के साथ एसोसिएट हो गए और आपको पता चला जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग है, वो फॉल्सिफाइड है, तो आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया, तो इसको ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी नहीं माना जाएगा। क्लियर हुई बात? और अगर आप ऐसे कोई क्लाइंट के साथ एसोसिएट हो गए और आपको बाद में पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग है, फॉल्सिफाइड है, तो आपको डिसएसोसिएट के लिए रीजनेबल स्टेप्स उठाने हैं। तो आपको डिसएसोसिएट के लिए क्या उठाने हैं? रीजनेबल स्टेप्स उठाने हैं। तो इंटीग्रिटी में तीन बातें डिस्कस की गई हैं। पहला, आप ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन या कोई भी स्टेटमेंट दी गई जो आपको लगता है झूठी है, धोखा देने वाली, मिसलीडिंग है या फिर नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को ओमिट किया गया है, ऑब्स्क्योर किया गया है, तो आपको ऐसे वर्क के साथ एसोसिएट, ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं होना। लेकिन इसको ब्रीच नहीं माना जाएगा अगर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। और अगर आप ऐसे क्लाइंट के साथ एसोसिएट हो चुके थे, ऐसे वर्क के साथ एसोसिएट हो चुके थे, ऐसी रिटर्न के साथ एसोसिएट हो चुके थे और आपको बाद में पता चला इन बातों का जो पैराग्राफ 2 में, मतलब सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ी है, मतलब झूठी थी, मिसलीडिंग थी या ओमिट किया गया था, तो आपको स्टेप्स उठाने हैं टू डिसएसोसिएट विद सच इन्फॉर्मेशन। आपको उस इन्फॉर्मेशन से डिसएसोसिएट होना है, मतलब उसको डिक्लाइन करना है। क्लियर? दिस इज अबाउट इंटीग्रिटी। फटाफट आपको बुक से रीड करवाती हूँ, मतलब नोट से रीड करवाती हूँ। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, जो वॉल्यूम 1 है वो डिराइव किया गया है। किससे डिराइव किया गया है? इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स, मतलब ISBA कोड ऑफ एथिक्स 2018। इसके कितने पार्ट हैं? इसके 4 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1, कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। किस पे लगता है? ऑल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे लगता है। और ये किस पे लगता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस पढ़ लोगे आप। और ये किस पे लगता है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस। और फिर क्या डिस्कस किए गए हैं? इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, पार्ट 4A, पार्ट 4B। अगर आप ऑडिट एंड रिव्यू कर रहे हो या फिर अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। क्लियर हुई? ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद द कोड। सबसे पहले आपको कंप्लाई करना है किससे? कोड से कंप्लाई करना है। ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, लोअर रेगुलेशन प्रिक्लूड करेगा एन अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइड विद सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कोड। मतलब अगर कन्फ्लिक्ट है लोअर रेगुलेशन में और कोड में, लॉ बोलता है कि कोड को कंप्लाई नहीं करना, तो क्या प्रिवेल करेगा? लॉ एंड रेगुलेशन प्रिवेल करेगा। लेकिन अदर केसेस में आपको अदर पार्ट्स ऑफ कोड से कंप्लाई करना पड़ेगा। डिस्कस कर चुके हैं। कोड ऑफ एथिक्स मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल। सबसे पहला आपका क्या है? इंटीग्रिटी। ऑडिटर नहीं, यहाँ बोलेंगे प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करना है किससे? इंटीग्रिटी से। वो क्या होगा? ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। फिर वो नोइंगली कोई भी ऐसी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं होगा अगर उसको लगता है वो मटेरियली फॉल्स या फिर क्या है, मिसलीडिंग है, या फिर उसको नेग्लिजेंटली प्रोवाइड किया गया है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को ओमिट या फिर ऑब्स्क्योर का मतलब अस्पष्टता थे, विदाउट क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और जिसकी वजह से जो भी ओमिशन और ऑब्स्क्योरिटी है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। और इसको ब्रीच नहीं माना जाएगा अगर प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है फॉर द अबव मैटर। अगर वो पहले ही ऐसी क्लाइंट के साथ एसोसिएट हो चुका था और उसको बाद में इस इन्फॉर्मेशन का पता चला, तो वो स्टेप्स उठाएगा टू डिसएसोसिएट विद सच इन्फॉर्मेशन। तो वो उससे डिसएसोसिएट, दूर होने के लिए, उससे अलग होने के लिए स्टेप्स उठाएगा, मतलब डिक्लाइन करने के लिए स्टेप्स उठाएगा। दिस वॉज अबाउट द इंटीग्रिटी। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, ये तो अगर आपको याद हो मैं डिस्कस करती थी आपके साथ, ऐसे 500 में भी डिस्कस किया हमने, ऐसे 600 में भी डिस्कस किया, 620 में भी डिस्कस किया और ऐसे 200 में भी डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिविटी इज BCI, याद है, बायस नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को, जो भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए टू ओवरराइड योर प्रोफेशनल जजमेंट। फ्री फ्रॉम बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, इसको काफ़ी डिटेल में हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में डिस्कस करते हैं। सेम BCI, a professional accountant shall comply with the principles of objectivity which requires an accountant not to compromise, वो अपनी प्रोफेशनल या फिर बिजनेस जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बायस पक्षपात नहीं करेगा, अनबायस्ड वे में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स नहीं होगा। मतलब वो निष्पक्षता से अपना ओपिनियन देगा, अपनी जजमेंट सुनाएगा, वो किसी के दबाव में, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स नहीं होगा। बहुत डिटेल में हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में इसको डिस्कस करते हैं तो मैं इसको अब मोर डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। अब आ जाइए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, क्योंकि ये अमेंडमेंट क्लास है, सिर्फ चेंजेस करवा रही हूँ, जो हम अपनी रेगुलर क्लास में डिस्कस करते हैं उसको मैं अगेन डिस्कस नॉर्मल अमेंडमेंट क्लास में नहीं करूंगी। अब आ जाइए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको नॉलेज एंड स्किल को क्या करना है, नॉलेज एंड स्किल को अटेन करना है और मेंटेन करना है, नॉलेज एंड स्किल को अटेन करना है और मेंटेन करना है एट लेवल रिक्वायर्ड। और दूसरा, आपको अपने वर्क को कैसे परफॉर्म करना है, डेलीजेंटली परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करना है, डेलीजेंटली परफॉर्म करना है। सुनना, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट था, उसको कहा गया कि आप, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस था, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी, उस एंटिटी के ऊपर IFRS लगते थे और एक मान लो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट था जिसको एक असाइनमेंट मिला, वो असाइनमेंट मिला कि उसको एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और उन पे IFRS लगता है, लेकिन उसने ES के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, उसको पता भी नहीं था कि इनके ऊपर IFRS एप्लीकेबल है। तो आप ये तो थे, आपने डिग्री अटेन तो कर ली थी लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया एट द लेवल रिक्वायर्ड। जितनी आपको नॉलेज की ज़रूरत थी आपने उस नॉलेज को एट द लेवल रिक्वायर्ड, आपने नॉलेज एंड स्किल को अटेन भी करना है और मेंटेन भी करना है। मतलब यू शुड बी अप टू डेट, आप अप टू डेट होने चाहिए। ऑडिट कर रहे थे, कारो 2020 मान लो एप्लीकेबल है, फिर भी आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट कारो 2016 से बना दी, तो क्या आपकी नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड थी? नहीं, आपको नॉलेज को अटेन करने के साथ साथ मेंटेन भी करना है। आपको रेलिवेंट टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब यू शुड बी अप टू डेट। सिर्फ नॉलेज को अटेन करने से बात नहीं बनेगी, आपको नॉलेज को अटेन करने के साथ साथ मेंटेन भी करना है और आपको अपना वर्क कैसे परफॉर्म करना है, डिलीजेंटली परफॉर्म करना है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा एक अकाउंटेंट है जो हमारी GST रिटर्न्स फाइल करता है और उसने डिलीजेंटली जानबूझकर डिले कर दिया और जिसकी वजह से हम क्लाइंट के ऊपर फाइन लग गया फॉर डिले इन फाइलिंग GST रिटर्न्स, क्योंकि आपने डिलीजेंटली काम नहीं किया, नेग्लिजेंट से आपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिले कर दी। तो आपको अपना वर्क टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करना है, केयरलेसनेस से नहीं करना, केयरफुली आपको काम करना है। आपको अपने असाइनमेंट्स को नॉलेज एंड स्किल के साथ साथ डेलीजेंटली परफॉर्म करना है। आपको सभी टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब आ जाओ अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपको नॉलेज एंड स्किल को अटेन भी करना है और मेंटेन भी करना है एट द लेवल रिक्वायर्ड और आपको करंट टेक्निकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलिवेंट लेजिस्लेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ओल्ड peer review statement पढ़ा रही हूँ, जबकि new peer review statements आपके ऊपर applicable हैं, तो I'll be guilty, okay? क्योंकि ये किस पे लगता है? CA in service, CA in practice as well as all professional accountants. और उसके बाद act diligently. आपको काम कैसे perform करना है? Diligently perform करना है, negligently काम को perform नहीं करना. आपको अपने standards के according diligently, carefulness and as well as timely basis पे अपने work को complete करना है. और ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग पॉइंट्स हैं. अब आ जाओ सिक्स, इन कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ए प्रोफेशनल accountant shall take reasonable steps to ensure that those working in professional capacity under the accountant's authority have appropriate training and supervision. अगर देखो, एक मैं हूँ सीए, ठीक है, मैं अपनी टीम को भेजूंगी वर्क करने के लिए, बिल्कुल टीम को भेजूंगी, तो आपको देखना है जो वर्क कर रहे हैं पर्सनल, जो पर्सनल वर्क कर रहा है, क्या उनके पास एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, और आप टाइम टू टाइम उनको सुपरवाइज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि जो टीम वर्क कर रही है उनको तो नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है, लेकिन आपको देखना है जो पर्सन वहाँ वर्क कर रहे हैं, जो क्लाइंट का असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी अथॉरिटी के अंदर आपको DSR करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपको उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना है कि वो अकॉर्डिंगली काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको देखना है हैव एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन. और आपके वर्क में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो आपको क्लाइंट को उसका अवेयर करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. अगर आपके असाइनमेंट में कोई भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट को उसका अवेयर करना पड़ेगा, तो आपको क्लाइंट को उसका अवेयर करना पड़ेगा. प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल मेक क्लाइंट्स, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस और अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल सर्विस और एक्टिविटीज अवेयर ऑफ लिमिटेशन इनहेरेंट इन द सर्विस और एक्टिविटीज. जो भी आप सर्विस और एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसमें कोई इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो आपको उसको क्लाइंट का अवेयर करना पड़ेगा. तीन पढ़ लिए. सबसे पहले पढ़ा इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या था? इंटीग्रिटी का कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं होगे अगर वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, या फिर ऑमिट और एब्सक्योर्स इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो मिसलीडिंग है. और अगर आप फिर भी एसोसिएट हो गए और आपने अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया, तो इसको ब्रीच नहीं माना जाएगा. और अगर आप बाद में अवेयर हुए इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आपको डिसएसोसिएट के लिए स्टेप्स उठाने हैं. ऑब्जेक्टिविटी, BCI, बायस नहीं होने चाहिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और आप इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए. कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, आपको अपना वर्क, अपनी नॉलेज एंड स्किल को अटेन करना है और मेंटेन करना है एट द लेवल रिक्वायर्ड. आपको वर्क को डिलिजेंटली परफॉर्म करना है. आपको सभी टेक्निकल, एथिकल एंड करंट टेक्निकल, एथिकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलिवेंट लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, रेलिवेंट लेजिस्लेशन की नॉलेज होनी चाहिए. क्लियर हुई बात? उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट का जो पर्सनल है, जो वर्क कर रहा है, आपको उसको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और सुपरविजन प्रोवाइड करनी है. एंड द लास्ट, अगर कोई आपकी सर्विस और एक्टिविटीज़ में कोई इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो आपको क्लाइंट को उसका अवेयर करवाना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया गया. अब देखना कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है. ऑडिटर को क्लाइंट के मिली हुई कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना. कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिटर नहीं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट. कॉन्फिडेंशियलिटी सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को, चाहे उसको एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर उसको अदरवाइज ऑक्यूपाइंग में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में मिली है, तो उसको अपने क्लाइंट्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना. shall not disclose, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना. दूसरा, कब डिस्क्लोज कर सकते हैं? when the professional accountant can disclose client's information. and third, if disclosing, अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आपको किन मैटर्स को कंसीडर करना है, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड. तो तीन बातें डिस्कस की गई हैं. सबसे पहले तो डिस्कस किया है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, आपको ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं करना, ठीक है. दूसरा डिस्कस किया गया कब आप डिस्क्लोज कर सकते हो, और तीसरा अगर आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आपको किन मैटर्स को कंसीडर करना है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी में 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है. पहला तो डिस्क्लोज नहीं करना, दूसरा कब डिस्क्लोज कर सकते हो, और अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आपको याद हो, अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड शेड्यूल, जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ यहाँ भी है कि अगर ऑडिटर SA 200 का ब्रीच अगर ऑडिट हो रही है, दूसरा एक तो कोड ऑफ एथिक्स का ब्रीच और गिल्टी माना जाएगा कौन से क्लॉज में, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना वॉल्यूम 2 पे डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ शेल नॉट डिस्क्लोज, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। इनएडवर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इनएडवर्टेंट? अनजाने में भी आपको क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, लापरवाही से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई। फॉर एग्जांपल, आप एक पार्टी में थे और पार्टी में क्या हुआ, कम्युनिकेशंस चल रहा था और आपने जाने अनजाने में अपनी वाइफ को इन्फॉर्मेशन बता दी और वाइफ ने वो सभी को इन्फॉर्मेशन बता दी, क्योंकि लेडीज़ की आदत होती है ना, सुना होगा कि ये एक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो 10 लोगों को बता देते हैं, ये हमारा कल्चर है। तो आपने जाने अनजाने में, लापरवाही में, बेपरवाह से आपसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई तो भी आप गिल्टी हो गए। आपको अलर्ट रहना है कि अनजाने में से भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइंट्स की बुक्स ऐसे ही रख दी, आपने क्लाइंट्स की बुक्स पढ़ी थी, क्लाइंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आपके वर्किंग पेपर्स में थे और आपने अपनी टेबल पे रख दिया, या फिर आप कह लो कि आपने बाहर रख दिया, ऑफिस के मेन रिसेप्शन पे रख दिया और रिसेप्शन पे कोई आया तो आपको नहीं पता था, लेकिन क्या हुआ, किसी ने इन्फॉर्मेशन देख ली, आपसे लापरवाही में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई। या फिर आपने बैठे बैठे अपने किसी फैमिली मेम्बर को, इमीडिएट फैमिली मेम्बर को, क्लोज फैमिली रिलेशन वाले को इन्फॉर्मेशन दे दी। सोशल इन्वायरमेंट में आप एक पार्टी में बैठे थे, घर सभी फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, आपने एक क्लाइंट की, वहाँ तो ऐसे होता है, उनके ऊपर तो केस चल रहा है, और क्या हुआ, सबको जाकर बता दिया कि उनके ऊपर तो ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं घर वालों ने। तो आपको अनजाने में भी क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर, बेपरवाही से भी, लापरवाही में भी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, आपको इस सिचुएशन में भी अलर्ट रहना है। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को विद इन फर्म भी मेंटेन करना है। ये नहीं है कि टीम गई थी, टीम ने आके सारी फर्म में बता दिया, नहीं, आपको विद इन फर्म भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। आप आउटसाइड थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, अनलेस या फिर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट, अगर क्लाइंट परमिट करता है तो कर देते हो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है तब आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। आपको कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट बनने वाला है, अगर आपको कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आप वो भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। दोबारा से, बेपरवाही से भी डिस्क्लोजर नहीं करोगे, इसके लिए भी अलर्ट रहोगे। विद इन फर्म भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे। आउटसाइड थर्ड पार्टी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, अगर क्लाइंट परमिट कर दे तो कर सकते हो, या फिर लॉ एंड रेगुलेशन बोले तो कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, चाहे वो आपका क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट बन सकता था। आपको क्लाइंट बनने के दौरान, जब वो आया था आपके ऊपर, आपको असाइनमेंट देने, उस दौरान अगर आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, आपको उस इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज नहीं करना। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको पर्सनल पर्पस, पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, आप पतंजलि की ऑडिट करने गए, आपको पतंजलि कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, आपको उन प्रोडक्ट्स बनाने का फॉर्मूला पता चला और आपने खुद ही अपनी एक फैक्ट्री खोल ली और आप उनके फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हो। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट की मिली थी, आपने पर्सनल एडवांटेज लिया, आप पर्सनल भी उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्लियरली पर्सनल भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आया? करें रीड, फटाफट हम वहीं से रीड करते हैं। और अगर आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एंड हो गया, मतलब अब वो आपका क्लाइंट ही नहीं रहा, क्या फॉर एग्जांपल 2020 में आपने उसका असाइनमेंट छोड़ दिया, क्या 2021 में आप क्लाइंट की मिली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते? नहीं, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को फॉरएवर मेंटेन करना है, इवन रिलेशनशिप्स एंड। चाहे आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खत्म भी हो गया, फिर भी आपको क्लाइंट के द्वारा मिली गई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो पर्सनल काम करने गया है, जो भी पर्सनल आपकी अथॉरिटी में वर्क करने गया है, या फिर आपने किसी से एडवाइस लिया, फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट से एडवाइस ली है, आपको तब भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। इवन जब एग्रीमेंट्स किए जाते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज भी डाला जाता है। अगर आप कभी भी एडवाइस लेते हो किसी भी थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन, जब आप उनको प्रोवाइड करते हो तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज डालते हो, क्योंकि आपको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल आप हो। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो जब आप एग्रीमेंट करते हो एक्सपर्ट के साथ तो भी एग्रीमेंट के टाइम एक कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लोज आता है। तो अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे। और जो भी वर्क करने जा रही है टीम, आपको देखना है कि वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं या नहीं करते। अब पढ़ते हैं एक बार यहाँ तक। कॉन्फिडेंशियलिटी: A professional accountant shall comply with the principle of confidentiality, which requires an accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional and employment relationship। अगर आप सर्विस में थे, रनबैक्सी की आप जॉब करते थे, रनबैक्सी में आप जॉब करते थे, आपको मेडिसिन बनाने का फॉर्मूला पता चला और आपने 1 करोड़ का फॉर्मूला सिप्ला को सेल कर दिया, चाहे आप सर्विस में थे तो भी आप गिल्टी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली है, चाहे आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप से मिली है, तो आप डिस्क्लोज करोगे तो आपको गिल्टी माना जाएगा। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अलर्ट रहेगा कि इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर ना हो, बेपरवाही में भी, लापरवाही में भी डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग सोशल इन्वायरमेंट पर्टिकुलर टू क्लोज बिजनेस एसोसिएट या इमीडिएट क्लोज फैमिली मेंबर। वाइफ को बता दिया तो भी गिल्टी। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को विदिन फर्म भी मेंटेन करना है। आपको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करनी। आपको आउटसाइड द फर्म थर्ड पार्टी को भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, अनलेस, ये भी हम पढ़ेंगे कब कर सकते हैं। आपको पर्सनल एडवांटेज के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करनी। और आपको इवन रिलेशनशिप खत्म हो गया मतलब फॉर एवर आपको क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करनी होती। और आपको इंश्योर करने हैं कि जो पर्सनल है, जो आपके कंट्रोल में है, मतलब आपकी टीम जो वर्क कर रही है और या फिर जिससे आपने एडवाइस या फिर असिस्टेंस ली है, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं तो चार्टर्ड, मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, मैंने तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं की, जो मेरी टीम है उसने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दी, तो वो भी गिल्टी माने जाएंगे। क्लियर हुई बात? यहाँ तक समझ आए? अब कब कब डिस्क्लोज कर सकते हो, कब कब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। सेकेंड, अगर परमिटेड बाय क्लाइंट, इफ परमिटेड बाय क्लाइंट एंड परमिटेड बाय लॉ, अगर लॉ मना करता है ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्लाइंट परमिट कर रहा है फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि लॉ मना कर रहा है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, लॉ भी परमिट करे, लॉ भी क्या करे, परमिट करे, और आपको क्लाइंट की भी अथॉरिटी मिले, आपको क्लाइंट की भी परमिशन मिले, तब आप डिस्क्लोज कर सकते हो। प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ क्लाइंट, प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ क्लाइंट, अगर क्लाइंट भी परमिट करे और लॉ भी परमिट करे तब आप डिस्क्लोज कर सकते हो। पहला, लॉ कहे तब डिस्क्लोज कर सकते हो। दूसरा, क्लाइंट परमिट करे और लॉ भी परमिट करे तब डिस्क्लोज कर सकते हो। और तीसरा, कब डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर आपकी कोई प्रोफेशनल राइट या फिर ड्यूटी है, योर प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज, तब आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। व्हेन टू डिस्क्लोज, सेकंड पॉइंट आपका किस पे है, व्हेन टू डिस्क्लोज, आप कब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, अगर लॉ के रिक्वायरमेंट है, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने भी परमिट कर दिया, लॉ भी मना नहीं करता, लॉ भी प्रिक्लूड नहीं करता, लॉ भी परमिट करता है और क्लाइंट भी परमिट कर रहा है। प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज, प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी, 4 केसेस हैं। सबसे पहले आपका पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू होता है, तो अगर पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू के टाइम आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है पीयर रिव्यूअर को या क्वालिटी रिव्यूअर को, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट है। और अगर ऑडिट असाइनमेंट होता है तो ऐसे 210 में जब हम लेटर ऑफ एंगेजमेंट लिखते हैं उसी में ही लिख देते हैं कि यार ऑडिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। अगर आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नफरा ने आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है सीए फर्म के अगेंस्ट, तो आपको क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देनी पड़े तो आप दे सकते हो। या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स हैं तो आप अपना पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल एक सीए के अगेंस्ट केस चल गया कि आपने नेग्लिजेंटली काम किया है, तो लीगल प्रोसीडिंग के में आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ी तो आप कर सकते हो। या फिर कोई भी स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ी तो आप कर सकते हो। प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी कब होगी, स्लिप, अगर स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करने के टाइम आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े, ठीक है। अगर SLIP, अगर लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े, पीयर रिव्यू या फिर क्वालिटी रिव्यू के दौरान आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़े तो आप कर सकते हो। तो कब कब इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है? 3 सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। पहला, रिक्वायर्ड बाय लॉ, दूसरा, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट। क्लियर? थर्ड, प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज। तो इसमें स्लिप था। 4 पॉइंट, प्रोफेशनल कंप्लायंस विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एलसे, लीगल प्रोसीडिंग्स में बताना पड़ सकता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, और या फिर आपके अगेंस्ट कोई पीयर, आपके अगेंस्ट नहीं होता, अगर कोई पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू है तो आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको 4 बातों का ध्यान रखना है अगर आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो। ये वाली सिचुएशन हाँ हुई और आपने डिस्क्लोज कर रहे हो, तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहले, इस डिस्क्लोजर से किसी पार्टी को हार्म तो नहीं होगा, चाहे क्लाइंट ने परमिट कर दिया, कहीं इस डिस्क्लोजर से पब्लिक इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं किसी पार्टी का हार्म तो नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या इस डिस्क्लोजर से किसी पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा, कहीं पब्लिक इंटरेस्ट हार्म तो नहीं होगा, किसी थर्ड पार्टी का या किसी भी पार्टी का हार्म तो नहीं होगा, चाहे परमिट कर दिया क्लाइंट ने। Such disclosures harms any third party या एनी अदर पार्टी। सेकेंड, अब आपको देखना है क्या जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हो, क्या आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन पता है, और क्या आप उसको सब्सटेंशिएट, मतलब क्या आप उसको सिद्ध भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने डिस्क्लोज किया कि एंटिटी में फ्रॉड है, क्या आप इसको सब्सटेंशिएट भी कर पा रहे हो कि रियलिटी में फ्रॉड है, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को सिद्ध भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। वेदर यू हैव प्रॉपर एविडेंसेस टू सब्सटेंशिएट दैट इन्फॉर्मेशन, क्या आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है, सभी इन्फॉर्मेशन है, और क्या आप उसको सब्सटेंशिएट कर पा रहे हो जितना प्रैक्टिकेबल है, जितना सिद्ध करना प्रैक्टिकेबल है, क्या आप उसको सब्सटेंशिएट भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। पहला, हार्म तो नहीं हो रहा। सेकेंड, क्या आपके पास सभी इन्फॉर्मेशन है और क्या आप उसको सब्सटेंशिएट भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन करना है, बाय मेल करना है, बाय लेटर करना है, बाय पोस्ट करना है, कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना होता है तो आपको एमसीए की मेल पे भी सेक्रेटरी को बताना पड़ता है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और एप्रोप्रिएट रिसिपियंट्स की इसका एड्रेसी कौन होगा, इसका एड्रेसी कौन होगा। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ फ्रॉड आपको किसको बताना होता है, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, तो इस इन्फॉर्मेशन का एड्रेसी कौन होगा, और जो एड्रेसी है वो एप्रोप्रिएट रिसिपियंट है या नहीं है, क्या जो पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट रिसिपिएंट भी है या नहीं है, जिस पर्सन के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो रिसिपिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। शैल कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, वेदर द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी हुज इंटरेस्ट माइट बी अफेक्टेड कुड बी हार्म्ड इफ द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कंसेंट टू द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट, क्या किसी का इंटरेस्ट या फिर हार्म तो नहीं हो रहा। दूसरा, क्या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्या आपको सारी इन्फॉर्मेशन का पता है और क्या आप उसको सब्सटेंशिएट भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, टू द एक्सटेंट इट इज़ प्रैक्टिकेबल, और कैसे कम्युनिकेट करना है और किसको एड्रेस करना है, और जो आपका एड्रेसी है वो एप्रोप्रिएट रिसिपिएंट भी है या नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में 3 बातें डिस्कस की। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर भी नहीं करना, अलर्ट रहना है, पर्सनल एडवांटेज भी नहीं लेना, विद इन फर्म भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, आउटसाइड द फर्म भी डिस्क्लोज नहीं करना, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं करनी, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, और इवन आपका रिलेशनशिप एंड हो गया उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, और जो पर्सनल और या फिर जिससे आपने एडवाइस और असिस्टेंस लिए आपको इतना भी ध्यान रखना है कि वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। कब कब डिस्क्लोज कर सकते हो, लॉ बोल रहा है, लॉ परमिट कर रहा है, परमिटेड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट, प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज, इन 3 सिचुएशंस में आप डिस्क्लोज कर सकते हो। जब आप डिस्क्लोज करोगे आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, क्या इस डिस्क्लोजर से किसी पार्टी का इंटरेस्ट या फिर हार्म तो नहीं होगा। दूसरा आपका क्या था कि क्या आपके पास सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या आप उसको सब्सटेंशिएट भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, कैसे कम्युनिकेशन करना है और एड्रेसी कौन होगा, और जो एड्रेसी है वो एप्रोप्रिएट रिसिपिएंट होना चाहिए। A professional accountant shall continue to comply with the principle of confidentiality even after the end of relationship। चाहे आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया, मतलब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया या फिर आप उसके साथ डिसएसोसिएट भी हो गए, तब भी आपको डिसएसोसिएशन के बाद भी जब आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया तब भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। नाउ द लास्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर। अब नाउ द लास्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज प्रोफेशनल बिहेवियर। लास्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कोई भी ऐसा काम नहीं करना, इसको हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ऐसा काम नहीं करना दैट ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, जिससे उसके प्रोफेशन की बदनामी हो, उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना, उसको ऐसा काम करना है जिससे उसकी प्रोफेशन की रेपुटेशन बढ़े, गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, उसको ऐसा काम करना है दैट ब्रिंग्स द गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, और उसको रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट इन एनी मैनर that bring discredit या फिर disrepute to the profession। इसको बोला जाता है कि उसको अपने professional मिसकंडक्ट भी नहीं करना और अदर मिसकंडक्ट भी नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना दैट ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, मतलब उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे डिसक्रेडिट हो, बदनामी हो उसके प्रोफेशन की। उसको कौन सा काम करना है दैट ब्रिंग गुड रेपुटेशन टू द प्रोफेशन, दैट ब्रिंग गुड रेपुटेशन टू द प्रोफेशन। प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट हम पूरे शेड्यूल्स में डिस्कस करते हैं, अगर आपको याद हो हम बिल्कुल इसको डिस्कस करते हैं, अपने शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले ही हम प्रोफेशनल एंड अदर कंडक्ट को डिस्कस करते हैं। इस पे 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुन लो। अगर आप एग्जीग्रेट कर रहे हो क्लेम्स फॉर द सर्विस, आप खुद को बड़ा दिखा रहे हो, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, झूठा, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हम बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे जैसी सर्विस तो कोई और प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। तो अगर आप खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो, एग्जीग्रेटेड क्लेम्स मतलब आप खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो, खुद की प्रशंसा बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि हमारा एक्सपीरियंस, झूठा एक्सपीरियंस दिखा रहे हो कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन, आप खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो तो आपको गिल्टी माना जाएगा दैट ब्रिंग डिसक्रेडिट टू द प्रोफेशन। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो अदर्स के साथ और झूठा डिसपार्गिंग रेफरेंसेस और अनसब्सटेंशिएटेड कंपैरिजंस, हमें बहुत अच्छा काम आता है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो हम उनसे बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको कहाँ कंसल्टेंसी देनी आती, कंसल्टेंसी तो हमारी फर्म देती है, दूसरी फर्म, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता, सब कुछ तो हमें पता है, वो उनकी सर्विस तो 0 ग्रेड है, हमारी सर्विस 5 ग्रेड है। तो आप खुद के काम को कंपेयर कर रहे हो दूसरे के साथ, उसको नीचा दिखा रहे हो और खुद को ऊपर दिखा रहे हो तो आपको गिल्टी माना जाएगा। और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं किया, अभी हम पढ़ेंगे, वॉल्यूम 2 में दी गई है एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन क्लोज 6 एंड क्लोज 7, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं किया, वायलेट किया उस गाइडलाइंस का, तो भी माना जाएगा कि आपने प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं किया। एग्जीग्रेटेड क्लेम्स मतलब आपने खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, कंपैरिजन किया, डिसपार्गिंग और अनसब्सटेटेड कंपैरिजंस किया, उनको नीचा दिखाया, खुद को ऊपर दिखाया, या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस इश्यूड बाय काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट का कंप्लाई नहीं किया, वायलेशन किया, तो इसको प्रोफेशनल बिहेवियर का मिसकंडक्ट माना जाएगा, नॉन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल बिहेवियर माना जाएगा। 3 बातें, एग्जीग्रेटिंग क्लेम्स, डिसपार्गिंग और अनसब्सटेटेड comparisons with others, and third, अगर आपने advertisement guidelines issued by the council of institute का comply नहीं किया तो आपको क्या माना जाएगा, तो violation of माना जाएगा कि आपने professional behavior का comply नहीं किया। अभी आगे करते हैं हम अपना next part। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, conceptual framework। देखो compliance with code कर चुके, fundamental principles कर चुके, और लास्ट पार्ट आपका क्या है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्पेसिफाई एन अप्रोच, क्या अप्रोच है IEA, क्या अप्रोच है IEA, क्या अप्रोच है IEA। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट, क्या आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट, क्या आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल, फिर आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है थ्रेट्स की, थ्रेट्स कितने हैं, और फिर आपको एड्रेस करना है, मतलब अगर कभी भी थ्रेट है तो उस थ्रेट को दूर करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो थ्रेट को, करो फिर इवेल्युएट करो, फिर एड्रेस करो, एड्रेस दैम। सबसे पहले आइडेंटिफाई थ्रेट, देन इवेल्युएट थ्रेट, देन एड्रेस द थ्रेट्स। देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई थ्रेट टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल, इवेल्युएट द थ्रेट्स, आइडेंटिफाई जो थ्रेट पता चले आप उसको इवेल्युएट करो, और लास्ट में एड्रेस द थ्रेट्स, या तो उनको दूर करो या रिड्यूस करो टू एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो तीन अप्रोच है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अप्रोच है आइडेंटिफाई थ्रेट, इवेल्युएट थ्रेट, एड्रेस द थ्रेट टू इलिमिनेट और रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। अब थ्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। थ्रेट्स अगर आपको याद हो नॉर्मल क्लास में मैंने आपको स्टोरी भी करवाई थी, 5 पॉइंट्स याद करवाए थे, फिर इनके एग्जाम्पल्स भी याद करवाए थे। नॉर्मल क्लास में मैंने आपको थ्रेट्स को याद करवाया था बाय मेमोरी टेक्निक्स, बाय मेमोरी टेक्निक्स, दैट इज एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। थ्रेट्स आर टोटली सेम, थ्रेट्स में कोई भी चेंज नहीं है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, एंड द लास्ट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। देयर इज नो चेंज इन द थ्रेट्स। आपको थ्रेट्स को एज इट इज याद करने हैं, वही मेमोरी टेक्निक्स आपको यूज करनी है, तो थ्रेट्स में कोई चेंज नहीं है। नाउ द सेकंड इज इवेल्युएट थ्रेट, नाउ द सेकंड इज इवेल्युएट थ्रेट। अब आपको इवेल्युएट करना है थ्रेट को, क्या आप इस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ पा रहे हो या नहीं लेकर आ रहे। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेबल लेवल। देखो एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब पढ़ते हैं, यहाँ से आ जाओ, एक्सेप्टेबल लेवल, क्या आप थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ पा रहे हो या नहीं लेकर आ पा रहे। अनएक्सेप्टेबल लेवल इज अ लेवल एट विच प्रोफेशनल अकाउंटेंट यूजिंग reasonable and informed third party test, what is reasonable and informed third party test, would likely to conclude that accountant complies with fundamental principle। सुनना, what is acceptable level, ध्यान से सुनना, what is acceptable level। एक level जिसमें third reasonable party, reasonable and informed third party, R and ITP, reasonable and informed third party can conclude कि प्रोफेशनल की फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्या हुआ है, कंप्लायंस हुआ है। रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी कैन कंक्लूड कि इट इज द अकाउंटेंट हैज कंप्लाइड विद फंडामेंटल प्रिंसिपल। व्हाट इज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, क्या बोलते हैं, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। मान लो ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने कंक्लूड किया सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर कि फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्या हुआ है, कंप्लायंस हुआ है। अब मान लो एक और सीए है जिसको मैं बोल रही हूँ रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी, ये सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर सेम कंक्लूजन पे पहुंच रही है, सेम कंक्लूजन पे पहुंच रही है, इसे बोला जाता है रीजनेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। क्या बोला जाता है, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। मतलब सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट कंक्लूजन पे पहुंचा, अगर थर्ड रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी को ये सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बता दिए जाएं तो वो सेम कंक्लूजन पे पहुंचेगी, तो इसे जाता है रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब क्या होता है, ऐसा लेवल कि आरआईटीपी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी कंक्लूड करे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लाई हुआ है। एंड व्हाट इज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, मीन्स कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट सभी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के जो कंक्लूजन पे पहुंचा है, क्या थर्ड पार्टी भी सेम कंक्लूजन पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही, इसे बोलते हैं रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। पढ़ते हैं acceptable level is the level at which professional accountant using the reasonable and informed third-party test would likely to conclude that accountant complies with fundamental principles. Clearly, reasonable and informed third-party. The reasonable and informed third-party test is a consideration by the professional accountant about whether the same conclusions would be reached by the another party. अगर कोई another party here stands for reasonable and informed third party, क्या वो दोनों same conclusion पे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे? सभी facts and circumstances को ध्यान रख दिया जाए. All relevant facts and circumstances अगर reasonable third party को पता है तो वो same conclusions पे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे, इसे बोला जाता है. मतलब reasonable and informed third party को लग रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लाई किया है. दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लो लेवल. मतलब आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कंप्लाई किया है. क्लियर हुई बात? पक्का? दोबारा से बताती हूँ. एक्सेप्टेंस लेवल का मतलब होता है थर्ड पार्टी कंक्लूड करे कि आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लाई किया है और आप भी वही कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, थर्ड पार्टी भी वही कंक्लूजन पे पहुंच रही है. सेम कंक्लूजन यू बोथ आर रीचिंग, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट. दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल. क्लियर हुई बात? नाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज एड्रेस नहीं, इम्पॉर्टेंट इज सेफगार्ड. अगर आपको क्या पता चले थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, अगर क्या पता चले threat to compliance with the fundamental principle are not at acceptable level, मतलब known compliance with fundamental principle वाली situation आ गई तो आपको उसे कैसे address करना है, क्या actions लेने हैं. सबसे पहले आपको threat को eliminate करना है, ऐसे circumstances, ऐसे interest और relationship को दूर करना है. For example, आपके relative के पास share हैं या आपके पास entity के share हैं या आप company के director थे और आपको audit असाइनमेंट मिला तो थ्रेट था, आपने डायरेक्टरशिप छोड़ दी, फिर भी आप 2 साल तक नहीं कर सकते, कूलिंग पीरियड आ गया, चलो छोड़ो, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे अपने वॉल्यूम 2 में जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी इंक्लूड कर दिया गया है पहले भी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन से. फॉर एग्जांपल आपके पास कंपनी के शेयर हैं और आपको ऑडिट मिली, अब ऑडिट मिल रही है, मिलने वाली है, तो आपने देखा कि थ्रेट है, आपने एंटिटी के शेयर्स को सेल कर दिया, शेयर्स को बेच दिया, सभी इंटरेस्ट और रिलेशनशिप्स को दूर कर दिया ताकि आप अपने थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सको. मतलब आपने इंटरेस्ट और रिलेशनशिप उन सभी सर्कमस्टांसेस को इलैमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, आपने सेफगार्ड्स लगाए, आपने एक्शंस लिए ताकि आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर जा सको. फॉर एग्जांपल आपके रिलेटिव के पास 1,20,000 के शेयर्स थे, फेस वैल्यू 1,20,000, अब आपने 20,000 के शेयर्स को सेल कर दिया. मतलब आपने सेफगार्ड्स एक्शंस लिए ताकि आप अपने थ्रेट को दूर कर सको. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आप उसको इलेमिनेट या फिर सेफगार्ड नहीं कर सकते तो आपको क्लाइंट को डिक्लाइन करना, तो आपको उस असाइनमेंट को डिक्लाइन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, रोटेशन एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139(2) आपके ऊपर एप्लीकेबल है, एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है. अब एक फर्म एक इंडिविजुअल, एक सोल प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 5 ईयर्स, 1 टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स तक ऑडिट कर सकता है, 6th ईयर है. अब ये फैमिलैरिटी थ्रेट को आप दूर नहीं कर सकते, ये फैमिलैरिटी थ्रेट को आप इलेमिनेट नहीं कर सकते, इसके लिए आप सेफगार्ड नहीं लगा सकते. इस सिचुएशन में तो आपको क्लाइंट को डिक्लाइन करना पड़ेगा, अगर ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हैं जब आप एक्सेप्टेबल लेवल तक ना तो मतलब थ्रेट्स को इलेमिनेट कर सकते हो ना उसको रिड्यूस कर सकते हो टू एक्सेप्टेबल लेवल, देन यू हैव टू डिक्लाइन द क्लाइंट, तो आपको वो असाइनमेंट को डिक्लाइन करना पड़ेगा. तो 3 बातें हैं एड्रेस के लिए, या तो आप उन सर्कमस्टांसेस को क्या कर दो, इलेमिनेट कर दो, या फिर आप सेफगार्ड उठाओ और उसको रिड्यूस कर दो टू एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, और अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है देन डिक्लाइन और डिसएसोसिएट विद सच इंफॉर्मेशन. Decline or ending the specific professional activity. Actions to eliminate threats. Depending on the facts and circumstances, a threat might be addressed by eliminating the circumstances creating the threat. However, there are some situations in which threats can't only be addressed by declining or ending the specific professional activity. This is because the circumstances that create threat can't be eliminated and safeguards. अगर आप इलेमिनेट नहीं कर सकते, सेफगार्ड नहीं लगा सकते टू रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल, देन यू हैव टू डिक्लाइन द प्रोफेशनल एक्टिविटी. क्लियर हुई बात? एंडिंग विद द प्रोफेशनल एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, सेफगार्ड्स. देखो सेफगार्ड्स क्या होते हैं, एक्शंस, क्या एक्शंस उठाए हैं ताकि आप थ्रेट को क्या कर सको, रिड्यूस कर सको टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, दैट इज नोन एज safeguards. What are safeguards? Actions to reduce the threat to acceptable level. That is known as safeguard. For example, आपको एक assignment मिला जहाँ आपका self interest threat है, जहाँ क्या है self interest threat. Mr. A का self interest threat है. अब उस assignment को उसने खुद नहीं किया, कोई एक additional qualified personal लगा दिया जो additional time लगाकर वो work perform करेगा. मतलब आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को दूर करने के लिए कोई एडिशनल टाइम और एक क्वालिफाइड पर्सनल अपॉइंट किया टू परफॉर्म दैट असाइनमेंट, ताकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को दूर किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, आपने एक अदर रिव्यूअर अपॉइंट किया, एक अदर रिव्यूअर अपॉइंट किया जो आपके किए गए काम को परफॉर्म करके देख, जो आपने परफॉर्म किया था उसको रिव्यू करेगा कि जो आपने कंक्लूजन दिया है वो सही है या नहीं है, ताकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट को रिड्यूस किया जा सके. फॉर एग्जांपल अगर देखो सेफगार्ड्स आर द एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन दैट द अकाउंटेंट टेक्स दैट इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लो लेवल. एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने एक्शंस लिए ताकि वो थ्रेट को रिड्यूस कर सके टू एक्सेप्टेबल लो लेवल. सेफगार्ड्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहले आपने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए, अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, आपने कोई एडिशनल टाइम और कोई एडिशनल पर्सनल अपॉइंट किया जो वो असाइनमेंट परफॉर्म करेगा ताकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को दूर किया जा सके. आपने खुद ना काम परफॉर्म करके एक अनदर क्वालिफाइड पर्सनल, एक एडिशनल क्वालिफाइड पर्सनल और उससे एडिशनल टाइम वर्क परफॉर्म करवाया ताकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को दूर किया जा सके. सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, आपने कोई अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से जो आपकी टीम का मेंबर नहीं है उसे रिव्यू करने के लिए कहा कि आप रिव्यू करके देखो कि हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो सही है या नहीं है. एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आपने अपॉइंट किया हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द टीम, रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड और एडवाइज एज नेसेसरी, और उससे एडवाइज ली कि जो वर्क है वो सही है या नहीं है. अगर मान लो आपने डिफरेंट पार्टनर्स और डिफरेंट एंगेजमेंट टीम का यूज़ किया एश्योरेंस क्लाइंट पे और नॉन एश्योरेंस क्लाइंट पे. फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लाइंट को एश्योरेंस सर्विस भी दे रहे हो, वो आपका एश्योरेंस क्लाइंट भी है, और आप उसको नॉन एश्योरेंस सर्विस भी दे रहे हो. इसके लिए पार्टनर है मिस्टर ए और टीम है बी सी डी की, इसके लिए पार्टनर है मिस्टर ई और टीम है एफ जी एच की. मतलब आपने डिफरेंट रिपोर्टिंग लाइंस पे डिफरेंट पर्सनल और पार्टनर्स किए अपॉइंट ताकि आप फैमिलैरिटी थ्रेट को दूर कर सको, ताकि आप एडवोकेसी थ्रेट को दूर कर सको, ताकि आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट को दूर कर सको. हैविंग डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट partners and engagement team with separate reporting lines for the provision of non-assurance services to an assurance line, ताकि review threat दूर हो सके, advocacy threat दूर हो सके और familiarity threat दूर हो सके. आपने और फर्म ही अपॉइंट कर ली टू परफॉर्म सम वर्क या फिर रीपरफॉर्म सम वर्क, टू परफॉर्म सम पार्ट ऑफ द वर्क, तो सभी थ्रेट्स अपने आप ही दूर हो जाएंगे. आपने एक और फर्म को ही वो असाइनमेंट परफॉर्म करने के लिए बोल दिया तो सभी टाइप के थ्रेट्स दूर हो जाएंगे. और अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था और कॉन्फिडेंशियल मैटर था तो आपने टीम सेपरेट कर दी कि इसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. तो कॉन्फिडेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन आपने टीम ही सेपरेट कर दी कि ये वाली इन्फॉर्मेशन ये टीम को प्रोवाइड होगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये टीम को प्रोवाइड होगी. तो ऑब्वियसली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जिसका था उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी. तो आपने इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए सेपरेट टीम्स को अपॉइंट कर दिया. अब सुनना कितने टाइप के थ्रेड्स होते हैं, ध्यान से सुनना कितने टाइप के थ्रेड्स होते हैं. 5 टाइप के थ्रेड्स होते हैं. अगर कुछ एग्जांपल्स हैं सेफगार्ड के, अगर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड था आपका तो आपने एडिशनल पर्सनल और एडिशनल टाइम और एडिशनल क्वालिफाइड पर्सनल को एम्प्लॉय किया ताकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को इलेमिनेट माइट रिड्यूस किया जा सके. सेल्फ रिव्यू थ्रेट था तो आपने एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट किया. कौन अपॉइंट किया? अप्रोप्रिएट रिव्यूअर जो आपको एडवाइस देगा और आपके किए गए काम को, आपके परफॉर्म किए गए वर्क को रिव्यू करेगा. आपने अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट किया. फैमिलैरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए आप फार रहे. मतलब आपने डिफरेंट पार्टनर्स और डिफरेंट टीम यूज़ की फॉर प्रोवाइडिंग non-assurance service to an assurance client, generally Section 144 prohibits. Next, फिर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए सेपरेट लाइंस बना दी कि सेपरेट पर्सनल कि इसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, इसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी. तो सेपरेट टीम, सेपरेटिंग टीम्स डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर. एंड द लास्ट, आपने अनदर फर्म की हेल्प ली टू परफॉर्म सम पार्ट ऑफ द वर्क और टू परफॉर्म द वर्क, ताकि सभी थ्रेड्स को रिड्यूस किया जा सके. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारा वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? वॉल्यूम 1 में हमने सबसे पहले डिस्कस किया इसका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में था आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 3 में आपका क्या था? पार्ट 4 इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, पार्ट 4A, पार्ट 4B. ये था आपका वॉल्यूम 1 का स्ट्रक्चर. फिर पार्ट 1 में क्या था? फंडामेंट को कंप्लायंस विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. क्या था? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. कोड से कंप्लाई करना है, अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो लॉ प्रिवेल करेगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमने 5 प्रिंसिपल को डिटेल में किया: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अप्रोच थी आइडेंटिफाई थ्रेट, इवेल्युएट थ्रेट एंड द लास्ट एड्रेस थ्रेट. और लास्ट हमने डी पॉइंट पढ़ा, सेफगार्ड. ये आपका खत्म हो गया वॉल्यूम 1. और वॉल्यूम 2 हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में. वॉल्यूम 1 पढ़ा हमने पार्ट 1 में. आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत.